हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल जोशी में। आज हम लोग लैंड क्रूजर प्राडो 2019 मॉडल है, ठीक है, इसका देख रहे हैं। लो लाइट ब्लिंक हो रही, ठीक है, फोर व्हील ड्राइव की। मैं पहले इसको स्कैन करूँगा, स्कैनिंग चालू किया, स्मार्ट डिटेक्ट चालू है, ठीक है। और ज़्यादातर इसका प्रॉब्लम वो टाइमिंग का होता है या उसके मोटर के उसमें कचरा जमा आ जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको स्कैन करके रिपोर्ट बताऊँगा, फिर आगे चलते हैं। स्कैनिंग कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ट्रांसफर शिफ्टर मोटर कंट्रोल सर्किट लो, ठीक है। अब हम इसको लिफ्ट पर चढ़ाएंगे, फिर हम इसका मोटर खोलेंगे, ठीक है। मैं चालू करता हूँ, एक एक स्टेप दिखाते जाऊँगा, ठीक है। ये कोड देखिए, अब इसको लिफ्ट पे करके आगे व्हील खोल। 4x4 की ये मोटर है, नीचे का और ऊपर का, ठीक है। इसके बोल्ट्स खोलने पड़ेंगे, ठीक है। इसको इस साइड नीचे निकालना है, इसकी टाइमिंग देखना है और व्हील फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। इसके स्क्रू खोलता हूँ मैं, सब स्क्रू खोलना है, ठीक है। इसकी टाइमिंग ज़्यादा आउट होती है और कचरा भी रहता है। ये क्लीन किया हुआ है किसी ने, लेकिन हुआ नहीं लगता वैसे, क्लीन किया है पूरा, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम टाइमिंग आउट होने से आती है। मैं इसको पहले ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। चारों स्क्रू को मैंने खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं। चारों खोलते ही थोड़ा थोड़ा इसमें से वाटर आना शुरू हुआ, देखिए इसमें से पानी भी आ रहा है। मैं इसको नीचे करके देखता हूँ, ये देखिए इसमें पानी आ रहा है, यानी ये पानी में गई हुई गाड़ी है, ठीक है। इसके लिए इसमें पूरा वाटर भरा है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा टाइट रहेगा, ऐसे निकाल के नीचे देखिए, ये इसका कंडीशन है। इसका कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। इसे तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ये साफ़ करके तो होगा नहीं, क्योंकि मोटर भी इसकी ख़राब हो चुकी है, जंग लग चुकी है, ठीक है। ऊपर का मोटर खोलना चालू है, चारों स्क्रूज के भी निकाल दिए, देखिए इसका कंडीशन भी वही है, एकदम जंग लगा हुआ है। ये रिपेयर होने के लायक ही नहीं बचे, हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मैं ये रॉड को क्लीन कर लेना है, ठीक है। ये रॉड को क्लीन कर लेंगे, और ये तो क्लीन होने लायक नहीं है, इसको क्लीन करके फ़ायदा नहीं, हम लोग दूसरा लगाएंगे। ये इसका पुराना है और ये दूसरा यूज्ड है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, इसका टाइमिंग बताता हूँ। आप क्लोज से देखिए, यहाँ अंदर यहाँ पे दो कट हैं कॉर्नर में, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे, ये दोनों इससे मैच आना चाहिए, ठीक है। मैच आएंगे तो ही ये इसका टाइमिंग सही रहेगा, ठीक है। दूसरे वाले का भी बता देता हूँ मैं, उसका भी टाइमिंग हमें मैच। ये लोअर साइड का मोटर है, इसको मैं दिखाता हूँ किधर इसका टाइमिंग है। ये व्हील निकाल देते हैं, मैं सीधा आपको दिखाता हूँ टाइमिंग कैसे है इसका, ठीक है। आप ये तीन पॉइंट देखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स ये प्रॉपर उधर से स्टार्ट होनी चाहिए और इधर इंड होनी चाहिए, आगे से स्टार्ट होके इधर इंड होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, ये तीनों पे बैठेगा, वो तीनों पॉइंट यहाँ से बैठ के यहाँ घूम के आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो मार्किंग है, यहाँ नीचे देखिए, इसको यहाँ एक कट है, ठीक है। ये क्लोज में ये पॉइंट के सामने ही रहेगा, ये जो स्विच है ना उसके सीधा सामने बैठेगा, ठीक है। ये व्हील बिठाते थे, ओके, ये इसके सीधा सामने रहेगा, ठीक है। जो इंड है, मैं ऊपर उठा के दिखा था आपको, ये जो पॉइंट है देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट रहेगा लाइन, ठीक है। अगर आपका थोड़ा मिस भी होता है तो आगे पीछे ऐसा हाथ से घुमा के कर सकते हैं इसकी सेटिंग। ये ऊपर का मोटर है, इसके बारे में वापस मैं बता देता हूँ। इसकी जो सेटिंग है, अब देखिए ये दोनों बीच में खाँचा दिख रहा है, ये दोनों लाइंस इसमें मैच आनी चाहिए, ठीक है। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, इसकी सेटिंग यही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ये इजी है बिठाना। ये ऊपर का है, ऊपर का मोटर ऐसे सेटिंग होती है बस, इसमें बाकी कुछ नहीं है। सेटिंग चालू करते हैं, ठीक है। मैं इसके शाफ्ट की पोजीशन के बारे में बताता हूँ, पहले ऊपर का दिखाता हूँ। ये ऊपर का आप लोग देखिए, ये थोड़ा ग्रीस से रस्ट हुआ, ये हमेशा इंड में होना चाहिए, ठीक है। हमेशा इधर इंड की तरह ऊपर का, ठीक है, ये फुल बाहर रहेगा यहाँ पर। और नीचे का सेम ऐसे ही, नीचे का हमें अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम मोटर लगाएंगे एक एक करके। ऊपर का फिटिंग चालू है, नीचे का करते हैं अभी फिटिंग। दूसरा तू करते रहे, फिर डालो स्क्रू, डालो इसको नीचे करना है पूरा, इसको डाउन ही रखना है, ठीक है।
फिर इसको यहाँ पकड़ना है। ओके, इस तरह से मोटर को प्रॉपर। ठीक है, ये सेट हो गया, पकड़ो। अब ये सेट हो गया, स्क्रू डालना है। ठीक है, मैं स्क्रू डाल के आगे का प्रोसेस दिखा दूँ। हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देखिए, पहले जो लाइन ब्रेक हो रहे थे वो नहीं हो रहे। ठीक है, अब मैं इसको न्यूट्रल पे करके, ओके, आप यहाँ देखें, लो पे डालो, लो का लाइट अभी आया। ठीक है, अब हम गाड़ी चला के बाकी चीज़ सीख रहे हैं। इस तरह इसका मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया।